हेलो दोस्तों, आदि जोपाली एडुकेशन के ज्योग्राफी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सौर मंडल का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में। ठीक है, तो ये पृथ्वी है अपना। पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है। अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जितने भी ग्रह हैं उसमें जीवन सिर्फ इस पृथ्वी ग्रह पर ही है। ठीक है, तो ये तीसरा ग्रह है। आकार में ये पाँचवा है। अगर इसे आकार में देखा जाए तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। एकमात्र ग्रह है जहाँ पर पानी पाया जाता है, पानी मिलता है। ठीक है ना, एकमात्र ग्रह है जहाँ पर पानी पाया जाता है। इसी ही कारण इसे हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। तो ये क्वेश्चन बन गया कि एक कितने नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है? तो पाँचवा नंबर का। इसमें क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। नीला ग्रह इसे किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ जीवन है, जीवन है। ठीक है, ये अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर घूमती है? इधर से इधर, इस तरह से घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो है ये अपनी अक्ष पर, ये जो अक्ष है ये अपने अक्ष पर 23 डिग्री सेल्सियस झुकी हुई है, मतलब इस तरह से है। अगर ये केंद्र है तो ये इस तरह से सीधा ना होकर ये पृथ्वी थोड़ा सा इस तरह से है। कितना डिग्री सेल्सियस? 23.5 डिग्री। यहाँ पर लिखने, यहाँ लिख देते हैं 23.5 डिग्री सेल्सियस। ये थोड़ा सा झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। अगर ऋतु परिवर्तन आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे ये पूछिएगा कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो उसका एक हम अलग वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पर कितना है, ऐसे सीधा ना होकर ये पृथ्वी से थोड़ा इस तरह से झुका हुआ है अपने अक्ष पर, तो कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री सेल्सियस झुका, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये अपनी अक्ष पर यह पृथ्वी घूमती है इस तरह से, और वो घूमती है 610 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आप लोग को, हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन ये 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये घूमती है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से ये मूव करती है 610 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक चक्कर। ठीक है, ये अपने अक्ष पर घूमती है इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर, और ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में क्या कर लेती है? एक चक्कर पूरा कर लेती है। यहाँ पर अगर ये घूमती है, ये क्या है, मान लीजिए कि इसका ये इस तरह से घूमती है अपने कक्षा में, इस तरह से घूमेगी ना ये, इसका जो कक्षा है ये पृथ्वी है, तो ये अपना कक्षा इसका जो है ये, तो ये कक्षा से अपना इसका जो कोण बनता है ये 66.5 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? यहाँ लिख देते हैं 66.5 डिग्री का। यानी अक्ष और कक्ष का में कोण जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 66.5 डिग्री का बनता है। ये ऐसे इस तरह से कक्षा बनेगा ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये कक्षा जो बनेगा वो 66.5 डिग्री का बनेगा। पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करती है दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार पथ, ऐसे इस तरह से। ये अगर मान लीजिए सूर्य है यहाँ पर, तो ये पृथ्वी घूम रही है, ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है, और इस घूमने में पूरा एक चक्र यहाँ से यहाँ तक में लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगाती है। ठीक है, यानी लगभग 365 दिन 6 घंटे, लगभग कितना? 365 दिन 6 घंटे ये लगा देती है। तब आप लोग, आप कहिएगा कि हम तो साल मनाते हैं 365 दिन का, ये 6 घंटा फिर कहाँ चला जाता है? तो 6 घंटा जो चला जाता है वो जब हम लोग लीप ईयर जो मनाते हैं, 6 घंटा को जमा कर लिया जाता है। मतलब ये 365 दिन, एक साल का 365 दिन तो हम मना लिए, तो इसका 6 घंटा बच गया,
प्लस कर दिए, अगला 365 दिन में फिर 6 घंटा प्लस हो गया, अगला 365 दिन में फिर 6 घंटा प्लस हो गया, फिर अगला में 365 दिन जो प्लस होगा तो ये जो 6 प्लस होगा 6 घंटा, इसका 6 4 24 यानी 24 घंटा, यानी एक दिन बन गया, 24 घंटा का एक दिन बन गया। तो एक दिन को ये जो चौथा ईयर जो है यहाँ पर 365 दिन का, इसमें जोड़ दिया जाता है तो क्या कितना हो जाता है, 366 दिन का, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। यही 6 6 घंटा क्या करते हैं, चौथे ईयर में हम लोग जोड़ देते हैं। ये चौथा ईयर है, यहाँ पर नीचे ज़्यादा लिखा गया, यहाँ लिख देते हैं 365 दिन जो है ये चौथा ईयर में जो जुड़ जाता है, ये मतलब एक ईयर में 6 घंटा हुआ, फिर दूसरे ईयर में भी 6 घंटा हमारा बढ़ गया, तीसरे ईयर में भी 6 घंटा बढ़ गया, चौथे ईयर में भी 6 घंटा बढ़ गया, लेकिन ये एक दिन पुर गया, इसीलिए इसी ईयर में इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं एक दिन, तो 366 दिन का हो जाता है। तो क्या बन जाता है, हमारा लीप ईयर बन जाता है। तो उस लीप ईयर में अब कहाँ जोड़ें, जनवरी में एक दिन जोड़ें कि मतलब अगस्त में सितंबर, तो वो हम लोग क्या करते हैं, 28 दिन की फरवरी है उसमें एक दिन जोड़ देते हैं, तो 29 दिन की क्या हो जाती है, फरवरी हो जाती है। जैसे अभी हम लोग का क्या चल रहा है, 2020, तो ये हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर निकालने के लिए रीजनिंग विजनिंग में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं, 4 से भागा देने पर अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो ये लीप ईयर होगा, अगर 4 से नहीं कटता है तो लीप ईयर नहीं होगा। 4 से क्यों कटता है देख लीजिए, 4 से क्या कि ये क्या है, 4 वर्ष में आता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। 365 दिन में जो ये पृथ्वी, ये 365 दिन में जो पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, इसे हम लोग कहते हैं वार्षिक गति। और जो ये एक दिन में ये 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में जो चक्कर लगाती है, लगभग 24 घंटा ही है, ठीक है ना। तो ये जो चक्कर लगाती है इसे कहते हैं दैनिक गति, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सूर्य की एक परिक्रमा के वर्ष, जो सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी करती है उसे हम लोग सौर वर्ष भी कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं और सौर वर्ष कहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगा लिया, जैसे सूर्य की एक परिक्रमा के समय को सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ये दैनिक जो गति होती है, 24 घंटा की जो दैनिक गति होती है, उसके कारण ही दिन रात होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, छूट गया था, दिन रात कैसे होता है, तो दिन रात दैनिक गति कारण होता है। दैनिक गति को हम लोग घूर्णन गति भी कहते हैं, कौन सी गति कहते हैं, घूर्णन गति, ठीक है। प्रत्येक सौर वर्ष यानी कैलेंडर वर्ष में 6 घंटे बढ़ जाते हैं, इसलिए हर चौथा वर्ष लीप वर्ष यानी 366 दिन का होता है, ठीक है। यहाँ पर बता दिए हैं, हम आगे थोड़ा सा समझा रहे थे, ठीक है। जैसा कि हम लोग शुक्र के बारे में पढ़े थे कि शुक्र आकार और बनावट में पृथ्वी के समान है, उसी तरह से इसका उल्टा, पृथ्वी जो है आकार और बनावट के में शुक्र के समान है, शुक्र ग्रह के समान है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य भी एक तारा है, तो पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य है बोला जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि इस पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है, तो सूर्य है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी के निकट सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो वह है प्रोक्सीमा सेंचुरी, ये क्वेश्चन आता है, प्रोक्सीमा सेंचुरी, ठीक है, जो पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष हम बता चुके हैं, प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी, सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी, औसत दूरी क्यों निकाल रहे हैं तभी हम बताते हैं, चूँकि देखिएगा औसत ये है सूर्य मान लीजिए, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस तरह से घूमती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दूरी ज़्यादा हो गया ये यहाँ से, और यहाँ पर ये दूरी कम हो गया, तो इसलिए हम लोग औसत दूरी निकाल लेते हैं। तो औसत दूरी कितना है, अगर पूछा जाए पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है, तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर, इसी ईयर मतलब करोड़ हुआ, 15 करोड़ किलोमीटर। अगर ये पूछा जाए कि ये सबसे कम दूरी कितनी है,
ठीक है ना। तो सबसे कम दूरी होती है कब होती है ये भी बता देते हैं, ये 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी, 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है, ठीक है ना, वो होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, जिसे हम लोग कहते हैं, ये सबसे कम जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं उपसौर। तो जिस स्थिति में सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे कम रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और जब सबसे ज़्यादा हो जाती है, सबसे ज़्यादा है, तो क्या कहते हैं उसे, अपसौर कहते हैं। फर्क कितने का है, उप और अप का, ठीक है। तो ये कब होती है, तो ये होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को ये सबसे ज़्यादा होता है, 3 जनवरी को सबसे कम होता है। तो 4 जुलाई को कितना होता है, तो वो होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब उपसौर किसे कहते हैं, उपसौर जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे कम होती है वो दिन कब होता है, 3 जनवरी को, तो उसे हम उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है वो कब होती है, 4 जुलाई को, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, ठीक है। ये अगर ये पृथ्वी है तो इस तरह से है ये पृथ्वी का, ये तो ये ध्रुव, इधर इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तर की ओर है उसको उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण की तरफ जो है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये बीच से ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई है इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है इसको हम कहते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय व्यास। तो ध्रुवीय व्यास है 1.2714 किलोमीटर। और अगर ऐसे इस तरह से किया जाए तो इस तरह से ये क्या है, ये विषुवत, विषुवत रेखा है, मैंने एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के 2 भागों में बांट देती है ना, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक गई है ना, तो विषुवतीय व्यास इसको कहते हैं, विषुवतीय व्यास। तो यहाँ से जो यहाँ तक गई है तो इसकी दूरी कितनी है, मैंने यहाँ से यहाँ तक कितना व्यास है, तो ये व्यास क्या है, 1.2756 किलोमीटर, यानी 12,756 किलोमीटर और 12,714 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, मैंने अगर पूरा गोल होने का मतलब क्या है, यहाँ से इसकी भी दूरी बराबर होनी चाहिए थी, यहाँ पर 56 होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि इस इधर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के द्वारा और थोड़ा सा ये चपटा बना हुआ है, थोड़ा सा चपटा किया हुआ है, ठीक है ना, चपटा किया हुआ नहीं है, चपटा है, ठीक है। तो इस ध्रुव मैंने उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में ये थोड़ा सा चपटा है, जो जिसके कारण इसकी लंबाई यहाँ पर कम हो जाती है, 12,714 ही है और 12,756 है ये। तो सूर्य का जो प्रकाश है, हम कभी बताए थे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, मैंने सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, याद करवाए थे, 8 ग्रह हैं तो 8 मिनट और 8 गुनी 16 सेकेंड, ठीक है। और चंद्रमा, यहाँ पर ये चंद्रमा है, मान लीजिए इसके बगल में ये चंद्रमा भी रहता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, तो वो लगता है 1 मिनट 25 सेकेंड, ये भी याद रहेगा, ठीक है, सूर्य से आने में और ये चंद्रमा से आने में। तो सूर्य चंद्रमा के सॉरी पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के मात्र एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा, एकमात्र उपग्रह वो कौन है, चंद्रमा है। तो हम लोग थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में अभी पढ़ेंगे। तो चंद्रमा की सतह, ये मान लीजिए चंद्रमा है, तो चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है, सेलेनोलॉजी, कहलाता है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, चंद्रमा, इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में, चंद्रमा की सतह एवं उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। इसकी सतह ये जो है, इसका आंतरिक, इसके अंदर में क्या है, इसका अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा की आयु जो है वो पृथ्वी की आयु के बराबर बताया जाता है, तो चंद्रमा की आयु और पृथ्वी की आयु दोनों 460 करोड़
वर्ष है। यहाँ पर बहुत सारे धूल के मैदान पाए जाते हैं, उन धूल के मैदान को शांति सागर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शांति सागर। यहाँ पर बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पर्वत का नाम है लिव निटल 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 लिव निटल, ठीक है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो 35,000 फुट, या यूं कहिए 10,668 मीटर है, ठीक है। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, जीवाश्म ग्रह। ये पृथ्वी की परिक्रमा, ये क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इस तरह से घूमता रहता है। तो ये पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी के चारों ओर, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, तो ये पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 8 घंटे में घूमता है, 27 दिन 8 घंटे में। और एक चीज़ और, ये 27 दिन 8 घंटे में तो घूमता है, और लगभग इतने ही टाइम में ये अपनी धुरी पर भी घूम जाता है, मतलब इस पर भी ये घूम जाता है, अपने अक्ष पर भी ये घूमता है। ये इस तरह से इसे इधर से घूमता ही रहता है, साथ साथ ये खुद भी घूमता रहता है। ऐसे सभी ग्रह करते हैं, ये ऐसे से घूमता है और अपने उसके साथ साथ खुद भी घूमता रहता है, इस तरह से ये खुद भी इस तरह से घूमता रहता है, ऐसे ऐसे, और इसके चारों ओर भी घूमता रहता है, ठीक है। तो ये अपने अक्ष पर जो घूमता है वो सेम टाइम में घूमता है। इसी कारण हम लोग पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखते हैं तो इसका एक ही साइड हमेशा नज़र आता है। पृथ्वी घूमता रहता है, साथ साथ ये भी घूमता रहता है, तो हमेशा इसका एक ही साइड दिखाई देता है, दूसरा साइड हम लोग इसका नहीं देख पाते हैं। तो इस चंद्रमा का हम लोग 57% भाग देख पाते हैं, इसका पीछे का भाग हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और ये भी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर ही घूमता है। पृथ्वी और चंद्रमा का लगभग, पृथ्वी ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये पृथ्वी है मान लीजिए, और ये मान लीजिए चंद्रमा है। तो पृथ्वी जिस तरह से इस तरह से झुका हुआ है, उसी तरह से चंद्रमा भी इस तरह से एकदम लगभग पैरलर है दोनों, ठीक है ना। इसका दोनों का अक्ष क्या है, लगभग पैरलर है, ठीक है। और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है उसका 1/8 भाग क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान है, 1/8 भाग पृथ्वी के द्रव्यमान का, ठीक है, द्रव्यमान यहाँ लिख देते हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है 1/8 भाग पृथ्वी का, यानी पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसका 1/8 भाग है। और यहाँ से ये चंद्रमा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, व्यास जो है वो 3480 किलोमीटर है, 3480 किलोमीटर। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा, अगर इसके में चट्टानों को देखा जाएगा तो चट्टानों में टाइटेनियम, कौन सी धातु, टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक है, सर्वाधिक क्या पाया जाता है, टाइटेनियम पाया जाता है। तो इसी कारण इसकी इसी के साथ ही, और पृथ्वी और चंद्रमा आप दोनों पढ़ लिए, इसी के साथ आपको ये पूरा 8 है ना ग्रह आपको मालूम होंगे। इसके आप क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे, ठीक है, उसे बताएंगे कि हम किस समय देंगे, आगे हम बताएंगे आपको क्लास में, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं। इसके अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।